बरेली जनपद के थाना अलीगंज के गांव भजनई में होली के रंग में हुआ भंग। डीजे की आवाज को कम करने को लेकर हुआ विवाद, जिसमें बताया जाता है कि झुन्ना लाल ने पशु निकालने को कहा था कि डीजे की आवाज थोड़ी कम कर लो। तब एक पक्ष कुलदीप, सचिन, सुरेश, अनूप, रंजीत आदि, दूसरा पक्ष झुन्ना लाल पाल, दीपक, अजय पाल, हरीश पाल, जिसमें इन चारों लोगों को लाठी व डंडे, ईंट व फरसा चीजों से मारा गया, जिससे इन्हें काफी गंभीर चोट आई है। मौके पर पुलिस पहुंची, जिससे लोग जान बचाकर भाग गए। मौके पर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा भी पहुंचे और हमलावर फरार हो गए थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, मंझगवा, बरेली। इटावा के बकेवर में बुधवार को थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने ग्राम प्रहरियों से मुलाकात की, तथा उनके बच्चों को गुजिया व अमीर गुलाल व पिचकारियां देकर होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को कहा है। ग्राम प्रहरी है और जितने एटीएम गार्ड है, इन सब की अपनी सूची रखें और उनकी मीटिंग लिया करें। हमारा सिपाही भी मीटिंग लेगा जाके इन सब की, तो आप इंस्पेक्टर साहब आपको बताएंगे और आप इन सबको बताएंगे, ठीक है? तो चलिए, बहुत मुझे खुशी है कि एक नमूना मैंने देखा। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारे सीओ साहब इसी तरीके से काम लेते होंगे, जागरूक रखते होंगे। और साल भर की मेहनत के बाद में जो मेन मेरा मुद्दा है, आज जो है, आज हम लोग आपका जो है यहाँ पे मैं एकत्रित हुआ हूँ, हमारी टीम एकत्रित हुई है आप सभी का स्वागत करने के लिए, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए कि जो हमारी लोग ग्राम प्रहरी इतनी मेहनत करते हैं, तो आप सभी के साथ हम लोग जो है ये होली का त्यौहार जो कल है उसकी खुशियां थोड़ी बांटे, और आपकी जो मेहनत है और खासकर जो बच्चे हैं उन सभी को मैं एक छोटी सी भेंट यहाँ पे देने का हमने प्रयास किया। ये हमारे जितने भी ग्राम प्रहरी साथी हैं, लाइन हो जाएगा बच्चों के साथ में, जिनके बच्चे आए हैं अपने बच्चों। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन रामजीत तिवारी के साथ दीपक राजपूत की रिपोर्ट, बकेवर, इटावा। कुशीनगर के फाजिल नगर ब्लॉक के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की तरफ से देशवासियों को होली के पावन पर शुभकामनाएं दी गई, तथा लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील भी की गई। वहीं इस मौके पर विदुर जी, अमरेश व्यास, अजीत नंदपाल आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट, कुशीनगर।